क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के पहले क्वेश्चन नंबर 5 को करने के पहले क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, आपको आप चाहे तो इसमें से एंगल लिख लीजिए ए बी सी और डी, एक ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। 100 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये 100 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, सेज जो भी है पहले वाला, उसमें मैंने एंगल आपको बताया नहीं था, आपको खुद करने के लिए बोल दिया था, लेकिन आप चाहे तो एक एंगल ये लिख सकते हैं आप 100, 100, 60 और 120। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 में है द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम में जो दो एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम है यूं यूं और ओके, इसमें क्या है एडजेसेंट एंगल जो है ये और ये, ठीक है, वो क्या है 3:2 का रेशियो है। ठीक है, ये जितना ये जो है, जिस भी आपने जो भी सपोज किया है उसका 3 times है और ये 2 times है। ठीक है, यदि यदि ये है ए बी सी और डी है, ठीक है, तो फाइंड द मेजर ऑफ इच ऑफ द एंगल, इच एंगल हमको प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? जब रेशियो दिया हुआ होता है तो हम डायरेक्ट 3x और 2x मान लेते हैं, जो भी रेशियो दिया है उस रेशियो के हिसाब से हम क्या करते हैं, जैसे 3:2 रेशियो 2 दिया हुआ है तो 3x और 2x सीधा ही मान लेते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि रेशियो जब भी दिया हुआ हो तो सीधा ही 3 को 3x, 2 को 2x मान लीजिए। उसके बाद एडजेसेंट एंगल दिया है तो एडजेसेंट एंगल के लिए एक ही प्रॉपर्टी है कि उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, यदि सम 180 डिग्री होता है तो x का वैल्यू इजीली हमको मिल जाएगा और इस वैल्यू को 3 times रखेंगे तो 3 into 36 और इसको 2 times रखेंगे 2 into 36, दो वैल्यू आपको सीधा ही मिल गया। जब एडजेसेंट एंगल मिल गया दैट मींस ये एंगल और ये एंगल आपको मिल गया तो ये अपोजिट एंगल और ये अपोजिट एंगल इजीली मिल जाएगा क्योंकि वो इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा। अब मेथड आप देख लीजिए क्या मेथड है। ठीक है, लेट ए बी सी जे इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हम यहां पे बना देते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू भी आपको क्लियर होता रहेगा। लेट ए बी सी डी इच ए पैरेललोग्राम। ओके, एक ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं एंड एम एंगल ए एंड एम एंगल ए या डी ए बी, ओके, दोनों में से जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो एम एंगल डी ए बी इक्वल टू 3x एंड ये हमने सपोज किया कि ये 3x है, डी ए बी ये 3x है और ये क्या है 2x है, क्योंकि हमको क्या करना है, या इसको 2x ले लीजिए, ये भी एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, एक ही साइड के दोनों साइड में बना हुआ एंगल एडजेसेंट होगा, उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है। एम एंगल ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू क्या है 2x। ठीक है, हमने ये सपोज किया, ये पूरा के पूरे हमने सपोज किया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि सिंस इंटीरियर एंगल
ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, आर सप्लीमेंट्री ओके, दैट मींस एंगल ऑफ एम ओ मेजर ऑफ डी ए बी प्लस मेजर ऑफ ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री है, ये क्या है ए डी पैरेलल है बी सी के एंड ए बी इज ए ट्रांसवर्सल ठीक है, यहां बिल्कुल क्लियर है कि कैसे हमने निकाला, ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल 180 डिग्री होगा ही होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री होता ही होता है। ठीक है, तो अब इक्वल टू अब आपको सिर्फ सॉल्व ही करना है। ठीक है, 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 और 5x इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 180 बाय 5, 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 36 डिग्री x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो m एंगल सो m एंगल डी ए बी इक्वल टू 3x इक्वल टू 3 इंटू 36 इक्वल टू 180 ओके, क्या है 108 डिग्री आ गया। ठीक है, सेकेंड m एंगल ए बी सी इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 36 इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ये दो एंगल 108 और 72। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल, तो ईच ऑफ द एंगल में हमारा क्या बच गया, एंगल सी और एंगल डी। ठीक है, तो एंगल सी और एंगल डी मैं मिटा देता हूं और निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल या मेजर ऑफ एंगल डी ए बी टू मेजर ऑफ एंगल डी ए बी इक्वल टू बी सी डी, बी सी डी इक्वल टू कितना है, डी ए बी कितना है, डी ए बी 108 डिग्री है। ठीक है, ओके, क्यों आया ये वैल्यू, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल ऑफ ओके, और अगेन क्या है, एंगल ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इक्वल टू 72 डिग्री, क्योंकि यहां 72 डिग्री ए बी सी आया है, उतना ही ए बी होगा, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। आ गया समझ में, तो यहां तक क्लियर हो गया,
अब आप लास्ट में लिख सकते हैं दस, ठीक है, दस क्या हो गया एम डी ए बी एम ए बी सी एम डी बी सी डी बी सी डी और एम ए बी सॉरी सी डी ए सी डी इक्वल टू ये 108 आया, ये 72 आया, ये 108 आया और ये 72 आया, ठीक है, आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इसके साथ ही कंप्लीट हो गया, ठीक है।